मनी, जैसे आपने गाया, आप तो हमको सीधा शेरोवाली के पहाड़ों पे ले गए भाई। और मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ फाइनल में पहुंच चुके हो माता का भेंट गाने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है। मनी, अभी तुमने जो गाया जो माता की भेंट है, वो ऐसा लगा कि तुम दिल से गा रहे हो, वो दिल से तुम्हारी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा एक एक अल्फाज में तुम्हारी निकल कर आती थी। सो आई रियली वांट टू से मनी, सुपर्ब, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, इनक्रेडिबल, अल्टीमेट, फैंटैबुलस। जय माता दी। लेट्स रॉक। जय माता दी। क्या बात है मनी, वैसे तो हमेशा ही खुश नजर आते हैं, लेकिन आज ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने इनके लिए एक सरप्राइज बंबई नगरी दिखाने के लिए किया था। अभी मुझे पता नहीं इन लोगों को पसंद आया या नहीं आया। इट वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट। अरे तो देख लेते हैं रीना जी कि पसंद आया कि नहीं आया। आइए मनी, एक नजर घुमाते हैं। जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है कि इतने बड़े बड़े समुद्री जहाज में हम घूमेंगे। इतना बड़ा है, मेरे गांव से भी बड़ा है ये समुद्र। आज रीना मैम की वजह से मुझे इनमें घूमने का मौका मिला है, और उससे भी ज्यादा खुशी वाली ये बात है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इधर हमें आके, एकदम मजा आ गया। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, उड़ी आता है ना। पहली बार समुद्र में खाना भी मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ। थैंक यू रीना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपने हमें घूमने के लिए चुना। मैं रीना मैम का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको ये घूमने का मौका दिया, यहाँ मुंबई देखने का मौका दिया। उन्होंने ये जो हमें मुंबई घुमाया है, और ये जो समुंदर है, ये जो जहाज दिखाए हैं, ये तो हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या बात है रीना जी, थैंक यू सो मच, इट्स सो स्वीट ऑफ यू कि आपने मनी और उनके परिवार के लिए इतना प्यारा सरप्राइज तैयार किया। मनी कैसा लग रहा है भाई? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी बड़ी जहाज में बैठा हूँ और इतना बड़ा समुंदर है। मेरे गांव में कोई ऐसे समुंदर नहीं है, तो मैंने कभी ऐसे घूमा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे घूमने में। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आया कि मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी। मम्मा पापा तो बहुत डर रहे थे कि ऐसे नाव हिल रही है कहीं डूब ना जाए, और हवा बहुत तेज चल रही थी।
जब ये गाता है तो मुझे लग रहा है उसमें पूरा खो जाता है, उसको पूजा की तरह गाता है। और मुझे लगता है ये निर्दोषता ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, इसके लिए किसी माँ की तपस्या भी होती है। तो क्या तुम्हारी माँ यहाँ पर आई हुई है? कहाँ पर है? जितना ये है उतनी ही मासूम इसकी माँ भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है ऐसी माँ को, प्रणाम है माँ। और मुझे ये बताया कि तुम सिलाई का काम करती हो, बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती हो और अपने परिवार का पेट पालती हो और अपने बच्चे को ऊंचाई पर देखना चाहती हो, ये माँ का सपना होता है। मैंने भी अपनी माँ को देखा है। जब इसको मैं सुन रहा था तो मेरे पास इतने अच्छे कपड़े तो नहीं थे जितने आज मनी के पास हैं। एक एक कपड़े में हमारे तीन तीन साल गुजर जाया करते थे। हमारी माँ हमें भूखा रह करके खिलाती थी, खुद सूखी रोटी खाती थी, हमें मक्खन और दही दिया करती थी। बासी रोटी खाने को मिलती थी, ताजी कहाँ बना पाते थे, क्योंकि खेत का पशु का काम करना होता था माँ को। मैंने एक दिन ऐसे अपनी माँ से पूछा, माँ जब मैं घर से निकला था तुझे ऐसा लगता था कि तेरे सारे सपने टूट गए, मेरा बेटा सन्यासी बन गया है, अब कैसा लगता है? बोले बेटा आज तो मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे घर में किसी भगवान ने जन्म लिया। मुझे लगता है तेरी माँ भी तेरे बारे में ऐसी ही सोचती होगी जैसी मेरी माँ सोचती थी। तेरे लिए एक ही शब्द निकलता और उसका नाम है आशीर्वाद। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.